हेलो एवरीवन, बेस्ट अभी स्टूडेंट जो NIAB यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी जो कि एक DBT का इंस्टीट्यूट है ऑटोनॉमस जो हैदराबाद में स्थित है, वहाँ से PhD करना चाहते हैं, तो उनके लिए अपडेट है कि यहाँ के जो एप्लीकेशन फॉर्म है PhD प्रोग्राम के वो रिलीज कर दिए गए हैं। इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, गूगल पर जाकर के सर्च करना है NIAB। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले NIAB की वेबसाइट दिखाई देगी, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप NIAB की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको न्यूज़ पोर्टल में व्यू ऑल पर क्लिक करना है। जब आप व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए PhD एडमिशन प्रोग्राम लिखकर आ रहा है, इस पर जब आपको क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें यहाँ पर ही सेकेंड ऑप्शन में दिया गया है नोटिफिकेशन। जब आप नोटिफिकेशन में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक डिटेल PDF दिखाई देगा, इसको मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा है, तो चलिए हम इसे डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिए PhD एडमिशन प्रोग्राम के लिए नोटिफिकेशन है, DBT का इंस्टीट्यूट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, इसे शॉर्ट फॉर्म में NIAB बोलते हैं। NIAB इसे ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ पर जो वर्क होता है मेनली वो एनिमल हेल्थ और ह्यूमन वेलफेयर के लिए होता है, एनिमल हेल्थ से रिलेटेड। ठीक है, जो यहाँ पर रिसर्च एरिया है वो डेवलपमेंट ऑफ नेक्स्ट जनरेशन वैक्सीन, इम्यूनोलॉजी, जेनेटिक जीनोमिक्स, जीन एंड प्रोटीन इंजीनियरिंग, होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन, पैथोजन जीनोमिक्स, डिजीज डायग्नोस्टिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक, ड्रग डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्टिव बायोटेक्नोलॉजी, स्टेम सेल, जीन एडिटिंग एंड ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी फॉर ह्यूमनाइज्ड माउस मॉडल एंड फार्म एनिमल्स, जूनोसिस एंड वन हेल्थ। ये सारे यहाँ पर जो है वो रिसर्च एरिया है जहाँ जिसमें आप PhD कर सकते हैं। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो आपके पास में मास्टर डिग्री होना अनिवार्य है, उसके अलावा आपके पास MBBS या BTEC है तब लाइफ साइंस से, तब भी आप इस यहाँ पर PhD कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास में कोई एक नेशनल लेवल की फेलोशिप होनी चाहिए, जैसे CSIR, UGC, DBT, ICMR या कोई इंस्पायर फेलोशिप है तो आप यहाँ पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और जो ये फेलोशिप है इसकी वैलिडिटी 5 साल की होनी चाहिए। वे स्टूडेंट जिनके पास गेट या MPAT है या अदर कोई एग्जामिनेशन उन्होंने क्वालिफाई किया है तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो जब आप वेबसाइट पर जाएंगे तो जब आपने यहाँ पर देखा हुआ था तो यहाँ पर लास्ट में अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आ रहा है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आप लॉग इन करके अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं, इस लिंक को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर के आप फॉर्म को आसानी से फिल कर सकते हैं। इसके अलावा मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ से आपको ये PDF आसानी से मिल जाएगी, आप उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तब बात करते हैं हम इसमें कुछ और पॉइंट्स की। तो यहाँ पर एप्लीकेशन प्रोसेस का आपको समझ में आ गया है, वो जो लिंक दिया है उसे जाकर के आप अपना फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जो ऑनलाइन पोर्टल है वो 12/10/2023 से स्टार्ट हुआ था और ये पोर्टल जो है वो 28/10/2023 यानी कि आज 20 तारीख है, तो आपके पास 8 दिन का समय और है, ये पोर्टल क्लोज हो जाएगा। सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करते हैं तो इंटरव्यू बेस्ड सिलेक्शन होगा, इंटरव्यू जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होगा, जिसका शेड्यूल जो है वो 7/11/2023 से 8/11/2023 के बीच में यानी कि 1 दिन का या 2 दिन का आपका इंटरव्यू हो सकता है। द कैंडिडेट शुड बी अवेलेबल फॉर मोर देन वन राउंड ऑफ इंटरव्यू स्प्रेड ओवर 2 डेज इफ नीडेड। जो आपका इंटरव्यू है वो 2 दिन तक भी चल सकता है अगर उनको जरूरत लगी तो। और यहाँ पर क्या है कि जो आपका जो इंटरव्यू में अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद आपको 22/12/2023 तक की यहाँ पर सिलेक्शन ले लेना है। ये डेट जो है वो एक्सटेंड भी हो सकती है, आप वेबसाइट विजिट करते रहिए रेगुलरली, तो आपको उनसे रिलेटेड जो भी अपडेट्स है वो पता चलते रहेंगे। ये हमने पूरा बात कर लिया इसके डिस्कशन का, अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो वो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर के आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।